हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सात के पाठ पांच एक नए शीर्षक के साथ उपस्थित हैं। और आज का हमारा जो शीर्षक है वह है मोटापा एक अभिशाप, जो आज कॉमन हो गया है, हर व्यक्ति इससे परेशान है। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले जो है थोड़ा सा हम इसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। तो जैसा कि लेखक कहते हैं कि आजकल जो है अनेक विद्यार्थी पांचवी छठी कक्षाओं का यहाँ पर जिक्र किए हैं तक आते आते ही क्या होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी जो है खतरे में डाल देते हैं। इस पाठ में मोटापे के कारण इसमें निहित जो खतरा है, इससे उत्पन्न रोग तथा इसे नियंत्रित करने के उपायों के बारे में जो है चर्चा की गई है। तो आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं पढ़ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मोटापा जो है शरीर की वह अवस्था होती है कि जिसमें वसा की मात्रा जो है उचित स्तर से ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम आवश्यकता से अधिक जो है अपने शरीर को जो है ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो फिर वह होता क्या है, वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। वैज्ञानिक भाषा में यूं कहें कि मोटापा शब्द जो है किसी व्यक्ति पर तब लागू होता है जब उसका भार उसके शरीर की किससे बनावट, आयु, लिंग तथा ऊंचाई के अनुकूल जो है निश्चित आदर्श भार जो है से कम कितने परसेंट, 20% बढ़ जाए। ऊपर बाहु डौला के पिछले भाग की मांसपेशियों में वर्तमान जो वसा की परत की मोटाई के जो आधार हैं, उसका जो एक स्तर है उसको एक निश्चित किया गया है। हमें हमेशा याद रखना है कि अनेक व्यक्ति जो है अपने आप को मोटा समझने लगते हैं, जबकि वास्तव में होता क्या है कि उनका भार उनकी ऊंचाई, आयु, लिंग के अनुसार जो है बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन फिर भी वह क्या समझने लगते हैं, उसे मोटा, अपने आप को स्वतः ही मोटा मानने लगते हैं। हमको समझना क्या है इसमें कि वे अपने शरीर की डील डॉल से क्या होकर असंतुष्ट होकर ऐसा सोचने लगते हैं कि क्या सोचते हैं कि कारण जो है यह है कि आकर्षक डील डॉल बहुत कम लोगों को प्राप्त हो पाता है। अतः जो है यह जानकारी प्राप्त करना उचित होगा कि आदर्श भार की गणना कैसे की जा सकती है, जैसे हम आदर्श भार की गणना कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसके विषय में हम समझते हैं कि आदर्श भार की गणना हम कैसे करते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई है, इन बिंदुओं को हम समझते हैं। जैसे अगर हमें आदर्श भार को जो है मापना है तो हम मापेंगे कैसे, इसको मापने के लिए सबसे पहले जूते उतारने के पश्चात अपनी ऊंचाई जो है सेंटीमीटरों में माप लें, सेंटीमीटर में हमें मापना है, कैसे, जूते को उतारने के बाद। दूसरे बिंदु पर इस ऊंचाई में से 100 सेंटीमीटर को हमको घटा देना है, जितना आ रहा है उसमें से 100 सेंटीमीटर। नंबर तीन जो है शेष बचे सेंटीमीटर को नोट कर लेने। आगे जो है नंबर चार पर पुरुषों के लिए इन नोट किए हुए सेंटीमीटर में से जो है 4 या 5 सेंटीमीटर कम करें, उसमें 4 या 5 सेंटीमीटर को घटाना है, बाकी जो बचे हुए सेंटीमीटर के बराबर जो है किलोग्राम पुरुष का जो है एक आदर्श भार हो जाएगा, ठीक है। पुनः जो है अगर हमें स्त्रियों का आदर्श भार माप करना है, मापन करना है उसका, तो कैसे, तो सेम यही प्रोसेस रहेगा, किंतु इसमें थोड़ी सी अलग विभिन्नता रहेगी। क्या, स्त्रियों के लिए 100 सेंटीमीटर निकालने के बाद उस नोट किए हुए सेंटीमीटरों में से 6 या 7 हमको कम करना है, पुरुषों के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर कम करना है, लेकिन स्त्रियों के लिए 6 से 7 सेंटीमीटर कम करें, बाकी बचे सेंटीमीटर के बराबर जो है किलोग्राम स्त्री का आदर्श भार हो जाएगा। तो यहां पर जो है आदर्श भार को हम कैसे माप सकते हैं, इससे संबंधित जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, जिसके
आधार पर हम आदर्श मापन कर सकते हैं किसका, भार का। आगे जो है, आदर्श भार के साथ हम अपने भार की तुलना करके स्वतः ही जान सकते हैं कि आपका भार उचित, यानी हमारा जो भार है उचित भार से कम है या फिर उससे अधिक है। इस भार की जो समस्या को समझने के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि शरीर के भार को मस्तिष्क के भीतर स्थित मुख्य केंद्र नियमित करता है। यह केंद्र ही निश्चित कर सकता है कि शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है। यदि लोभ में आकर आप उससे मात्रा से अधिक खाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपका भार बढ़ने लगेगा। केवल एक या दो और अतिरिक्त भोजन खाते रहने से भी जो है वर्ष में 3 किलो भार बढ़ जाएगा। यहाँ पर 3 किलो का जिक्र किया गया है, जैसे एक कवर, एक बार जैसे हम नेवाला डालते हैं मुंह में, तो यहाँ पर कवि ने कौर बताया है, ठीक है, तो यहाँ पर कौर के बारे में जिक्र हुआ है। तो कौर से हमारा यही तात्पर्य है कि जैसे एक बार हमने भोजन उठाया और मुंह में रख लिया, तो अगर हम केवल दो बार ही ऐसा करते हैं तो फिर वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 किलो भार बढ़ जाता है। इसी प्रकार भूख से कम खाने के परिणाम स्वरूप वही भार हमारा कम भी हो जाता है। कम भार वाले व्यक्तियों को उचित मात्रा या उचित भार प्राप्त करने के लिए किसी विशेष स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि किसी रोग के कारण या किस रोग के कारण कौन सा रोग है जिससे भार घट या बढ़ नहीं गया है। इसी बात की जानकारी भी आवश्यक है कि किस प्रकार का जो है यहाँ पर भोजन भार को घटाता है या फिर उसे बढ़ाता है। हम देख रहे हैं, यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भूख केंद्र द्वारा निश्चित की गई भोजन की जो मात्रा से अधिक खाने से भार क्या है, वह बढ़ता है, और अतिरिक्त जो खाया हुआ भोजन है वह एक चर्बी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। अतः जो है यहाँ पर एक और पॉइंट दिया है जिसका हम जिक्र करेंगे कि परंतु बच्चों और गर्भवती स्त्रियों को भूख से थोड़ा कम भोजन देने की, यानी कि भूख से थोड़ा सा कम भोजन खाने की ही आवश्यकता होती है। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें एक सीमित मात्रा में अपने भोजन को करना होगा, अन्यथा जो है मोटापे का हम भी शिकार हो सकते हैं, और आवश्यकता से अगर कम भी हम भोजन करते हैं तभी अन्य प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। तो हमें यही सलाह दी जाती है कि हम अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं, तो उसके लिए जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। आदर्श भार का बार बार जिक्र हुआ है कि हम आदर्श भार का मापन कैसे कर सकते हैं, तो अभी हमने आदर्श भार के मापन के लिए यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जाना, तो हम अपने इस टॉपिक को ही विराम देते हैं और इसी के भाग 2 के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।